दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 500, तो नॉर्मल पूरी दिल्ली की बात करें तो 430 के आसपास है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सरदेवा जी जुड़ रहे हैं। सर, इस वक्त हम इंडिया गेट में खड़े हैं और जैसा आपने कहा कि दोनों तरफ पता नहीं चल रहा कि इंडिया गेट कहाँ है, विजिबिलिटी ये है 430 AQI पूरी दिल्ली और ऐसे ओवरऑल 500 भी कहीं कहीं पार है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? दिल्ली में AQI की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में है और मैं आज स्टडी कर रहा था तो 1 जनवरी 2024 से आज हम 14 नवंबर में खड़े हैं, एक दिन भी AQI 50 से नीचे नहीं आया है। तो दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ एक सीज़न की बात नहीं है, ये 12 महीने की प्रॉब्लम है जिससे दिल्ली की सरकार को लड़ने का कोई विज़न बनाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया नहीं है, क्योंकि ये समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना, चोरी करना है। आज बच्चों की जो स्थिति, हमने कहा स्कूल बंद करने चाहिए, बड़े बुजुर्गों को हम एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप सुबह शहर पे मत निकले, ये हवा आपके लिए खतरनाक है, सांस की बीमारी, खांसी, आंखों में जलन, ये अब हर घर का कोई ना कोई सदस्य इससे पीड़ित है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और गोपाल राय, इनको छोड़ के पूरी दिल्ली खांस रही है लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता और बार बार सुप्रीम कोर्ट से इनको लताल पड़ी है। CND वेस्ट 3100 टन डेली अनट्रीटेड ये छोड़ रहे हैं लेकिन उसको दूर करने का कोई साधन इनके पास नहीं है। दिल्ली में PM 2.5 की जो स्थिति है वो सिर्फ डस्ट के कारण है, टूटी सड़कों के कारण है और गार्बेज और CND वेस्ट है, जिसको कंट्रोल दिल्ली की सरकार को करना था लेकिन ये नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली की जनता भुगत रही है। सर, कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, लगातार दावे वादे किए गए थे, उसके बाद यमुना की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई, इस पर भी कोई सुधार नहीं, और ये तस्वीरें राजधानी की है। मैं कहता रहूँ ना, आँखों में जलन, सांस की बीमारी, ये है मेरी राजधानी, ये स्थिति हो गई है। यमुना की स्थिति हम सब ने देखी है, हमने तो खुद जाके वहाँ दिखाया सबको, और यमुना की हालत आज अगर गंदी है तो उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। उन्होंने, मैंने जैसे कहा कि कोई विज़न नहीं है सरकार के पास, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो एक दिन 2 घंटे का इवेंट करके भाग जाते हैं। सर, आखिरी सवाल, लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये सवाल पूछा जाए तो वो भाजपा पर आरोप लगाते नजर आते हैं या फिर परालिया तमाम चीज़ों को टालते हुए नजर आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ना, सड़कें किसने बनानी थी अरविंद केजरीवाल, डस्ट किसने कंट्रोल करनी थी, CND वेस्ट प्लांट के लिए उसको ट्रीट करने का इंतजाम किसने करना था, ओखला क्या जाओ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वहाँ से जो एस जनरेट हो रही है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ साइड किसने अलॉट करनी थी, पंजाब का पराली का धुआं किसने रोकना था, अरविंद केजरीवाल से सब आपने रोकना था। आप अपने फेलियर्स को छुपाने की कोशिश करते हैं बनिस्पत कि उनको ठीक करने की वजह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सचदेवा जी को, वीरेंद्र सचदेवा जी को साफ तौर पे कहना है कि ये जो इस वक्त दिल्ली की हालत है, प्रदूषण की बात करें या फिर गंदगी की या फिर यमुना की, इसके लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है जिसने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए मेरे ठीक पीछे आपको यहाँ पर, हालांकि यहाँ सर यहाँ से देखने से कुछ तस्वीरें साफ नजर तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, ये कर्तव्य पथ है जो यहाँ फिलहाल कुछ भी कोई वजन नहीं है, सुबह के ये हाल है। तो सोचिए प्रदूषण का जो स्तर है ओवरऑल दिल्ली में 430 और वहीं कई इलाकों में 490-500 के आसपास भी बना हुआ है। अभी ठंड की शुरुआत है और ऐसे ऐसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वक्त बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है।